सुख सागर नान चलो अंसा भव सागर भूल रहे लोई, सुख सागर वो सतलोक में चलो। शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई सतलोक में। पुण्यात्माओं, हम यहाँ इतने दुखी हैं, कितने दुखी हैं और सतलोक में कितना सुख है उसकी एक जरा सी तुलना से समझ लेना। बुद्धिमान को संकेत बहुत होता है। कभी कभी किसी दिन कुछ ही अक्षण के लिए एक मेहर की लहर आती है, मन में इतनी खुशी उमंग सी उठती है, दुश्मन भी दुश्मन नहीं लगता, सबके पैर प्रति मेहर दया उमड़ उठती है। लेकिन वह होती है थोड़ी सी देर की, और मन चाहता है कि आज सारा दिन निसायमन बना रहे, ऐसी आत्मा में हिलोर उठती रहे, वो न्यारा आनंद है, लेकिन वह नहीं रहती है। कुछ ही क्षणों के बाद फिर वो ज्यों के त्यों राग द्वेष खेचा ताणी, नो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो टोटा हो गया, थोड़ा नाश कर दिया, फेल हो गया, यानी वो कैर की लहर फिर शुरू हो जाती। तो ऐसी लहर वहाँ शंखों हैं जो मेहर वाली लहरें, कहाँ सुख सागर में। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहाँ उसी के लिए कहते हैं सुख सागर नान चलो अंसा बहु सागर भूल रहे लोई। कुल काट लग्या जम आन ठग्या, अगली पछली सब खोई। कि तू इस कुटुंब के अंदर ही इतना विचलित हो गया, अगली पछली सारी खोई। अगली कौन सी? जो भविष्य की कमाई करनी थी वह बनी नहीं, और पिछले कोई पुण्य थे वह बर्बाद कर दिए, उसकी मलाई खाली, यहीं पर सुख तुझे तो मिल रहा है। अगली पिछली सब खोई। निंदत नेमी निरता लिए कुछ समझत नहीं है गुरुद्रोही। जो कुछ भक्ति करते हैं वह गुरुद्रोही हैं, क्योंकि परम संत से विमुख रहने से वो सत भक्ति नहीं कर रहे, उनका नो काम बिगड़ गया। संतों का दोष धरे दिल में अग पाप के बीज बहुत बोई। आप तो भक्ति करते नहीं, करते हैं तो कति गलत, और संत की निंदा करते हैं, संतों के प्रति दोष मन में दोष रखते हैं, बड़े बुरे विचार रखते हैं, वो पाप और बोलिए। अग पाप के बीज बहुत बोई, अग माने पाप। सुसरे सालों हितकार करें सासु साली कोई नणदोई, जगलड़ में है प्रतीत नहीं, जगलड़ में है प्रतीत सही, बोले नहीं साच जगत धोई। संतों ने भक्तों को कित मजाक कर है, कहे उड़ जा तीसरे दिन बरवाड़ा आश्रम में, क्या रखा वहां पर, करकना खाया जाता। और सुसरे साले और सासू साली यानी नंदोई मित्र प्यारे, इन में प्रीत, और ये इसे है न, कदे भी साची नहीं बोलने एक दूसरे का, आगे कुछ ना कुछ धोखा यानी मन में खोट रख कर बात करेंगे, और उनने यू अपने मान रहा है, यानी सारे उल्टे काम कर रखा है। जब तक इसको ज्ञान नहीं होता, बुरा नहीं है कि हम किसी रिश्तेदार से विमुख हों, लेकिन सच्चाई यही है जो परमात्मा की वाणी बोल रही। कितना प्यारा रिश्तेदार हो, कितना मित्र हो, मन में गुंडी जरूर रखेगा। ये माता पिता पुत्रों और पुत्री से रखेगा, माता पिता, कारण कुछ भी हो, बच्चों को सारा भेद दे दिया, कदे नुकसान ना कर दें, बालक से कितने बिगड़ ना जा, और बच्चे माता पिता से गुंडी रखेंगे, अवश्य कुछ ना कुछ छुपा कर रखते हैं, चाहे ऊपर तक कितने प्यारे बोले जाओ, ऐसा है यहाँ का। तो ये सारा सारा कुछ जुगाड़ सा जुड़ रहा है, पर इस जुगाड़ में अपनी भक्ति कर लो, ये तो जो भी है जैसा भी है
ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। लेकिन भक्ति करने से फिर मन में सफाई आने लग जाएगी, अंदर से जो हमारा विकार है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम सच्चे दिल से अपने नातों को भी निभाएंगे। जग लड़ में है प्रतीत, सही बोले नहीं साच जगत होई, चैन में संसारिक जो लगन में तो तेरी प्रतीत है, और ये जगत आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा रख के ही बात करता है, साची नहीं बोल सकता है। लंगड़े भड़वे नहीं भेद, भेद लहें गुज बीर जमंतर हम गोई। लंगड़े, लंगड़े का अर्थ है जो नकली से हो ना, एक तो ठीक आदमी चलता है, वो दोनों टांग दोनों कदम पैर ठीक हैं उसके। लंगड़े वो हैं जो भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं और गुरु बन गए, कहते वो नहीं माने इन बातों को, वो अपनी ही तड़गड़मबाजी में उलझे रहेंगे। लंगड़े भरवे नहीं भेद लहें गुज बीरज मंत्र हम गोई, वो गुज बीरज वो खास मंत्र हमने बता दिया और उसको भी नहीं मानते ये। और साधु माखन मद छाक रहे जग पीवत है पिछली छोई, जो भक्त आत्मा है वो मक्खन खा रहे हैं भगवान की भक्ति का, और संसार जिस सुख को संसार संसारिक सुख समझता है कार कोठियों ने, कहते हैं ये तो लस्सी पी रहा है पाछे की बची हुई, मक्खन तो संत खा रहे, ये सुख इतना मानो। अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान समझा रहे थे, तो गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा क्या और भी भगवान है जो आप बता रहे हो, कोई सुख का स्थान है? परमेश्वर ने कहा हाँ बच्चा, मैं उसी स्थान से आया हूँ, और वो स्थान वो है जहाँ तुम पहले रहते थे, जहाँ तुम पहले रहा करते थे। बेटा ये तुम्हारा लोक नहीं है, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, ये तुम्हारा स्थान स्थाई नहीं है, तुम्हारे को धोखे में रखा हुआ इस काल भगवान ने, सृष्टि रचना का ज्ञान दिया। तो गरीबदास साहिब ने कहा प्रभु अपने दास को आपका गांव दिखा दो। अब परमात्मा ने गवाह बनाने थे वर्तमान के लिए, इस जो अब वर्तमान समय है इसके लिए वो गवाह बनाकर परमात्मा तैयार करके गए थे कि जब ये भक्ति युग आवेगा, पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी, तो मुझे आसानी हो जाएगी समझने में, मेरे बच्चों मुझे पहचान लेंगे कि यू ऐसा वो भगवान जिसमें सारे वेद उसके गुण गा रहे हैं। जैसे परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, वो परमात्मा जब बालक रूप शिशु रूप धारण करता है तो कुंवारी गाय का दूध पीता, और ऐसे भी कभी आते हैं कुछ समय के लिए अस्थाई, एक दिन दो दिन दस दिन किसी क्षेत्र में रुक गए, वहाँ भक्तों को सत्संग सुनाया गया अपनी प्यारी आत्माओं को, तो वहाँ फिर कभी कभी फिर आते रहते हैं, उनका ये पता नहीं लगता कि वो संत कित का है कौन है, और उनको लाभ बहुत दे देते हैं, साथ में उनको सतभक्ति कर आदेश दे जाते हैं। तो वो भक्त ऐसे साधना करते रहते हैं, फिर कुछ कहते हैं भाई पता नहीं संत का कितना अथर कितना नहीं, पर हमारा ये लाभ कर गया, हमें ये लाभ कर गया, हम ये मंत्र जाप कराया कर, उन्होंने ये बता रखा है। तो ऐसे परमात्मा भी आते हैं और काल भी आता रहता है, काल के दूत भी आते हैं, लेकिन इस तरह की लीला केवल परमात्मा ही करता है जो कुंवारी गाय से दूध पीते हैं।